नमस्कार, क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भक्ति सूपी ट्रेडिशंस। अप्रॉक्सीमेटली 8th century to 18th century, भक्ति का क्या अर्थ? भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड, ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण भक्ति कहलाता है। सूपी वह मुसलमान जो पवित्र और त्याग का जीवन व्यतीत करता है और जो ऊनी कपड़े पहनकर अपने मत का प्रचार करता है, उसको सूफी कहा जाता है। 8th to 18th century, पिछले लेसन जो हरप्पन सिविलाइजेशन को हमने 3500 BCE से लेकर 1300 BCE तक पढ़े थे, और पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 6th century BCE से लेकर 6th century CE तक अध्ययन कर चुके। अब इस लेसन में अप्रॉक्सीमेटली 8th century से लेकर 18th century तक का समय लिया गया है। यह लगभग 1000 वर्ष का काल होता है। 8th to 18th century भारतीय इतिहास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कहीं जो है धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ, जैसे आपका भक्ति आंदोलन, आपका इस्लाम, और जो है सूफी मत का जो है विकास हुआ। इस समय जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो है भक्ति मूवमेंट का विकास हुआ। इसमें अलवार और नयनार जो इसके प्रणेता थे। अलवार जो है 12 थे, 12 नंबर्स थे, और ये जो है भक्ति गीतों की रचना करते थे। अलवारों के जो भक्ति संकलन को, भक्ति गीतों के जो संकलन है उसको संकलित किया गया, और इस संकलन को जो है नालायर दिव्य प्रबंधम का नाम दिया गया। नालायरम दिव्य प्रबंधम में लग 4000 भक्ति गीत है। नयनारों का जो काव्य संकलन को भी संकलित किया गया, और उसको तेवारम का नाम दिया गया। और ये जो है हमारे साउथ इंडिया के जो भक्ति मूवमेंट का एक स्रोत है। 12वीं शताब्दी में बासवन्ना ने वीर शैव ट्रेडिशन की स्थापना की। इसकी स्थापना जो है कर्नाटक में हुई। उसने जो है वचनों की रचना की, और ये भी हमारे लिए एक स्रोत का काम करता है। 7th century में प्रॉफेट मोहम्मद ने अरब में इस्लाम की स्थापना की। उन्होंने विश्व को एक नया संदेश दिया, एक ईश्वर और मानवतावाद का। भारत में जो इस्लाम का जो आगमन जो है वो 711 ईस्वी में हुआ, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया। इसके बाद भारत में लगातार आक्रमण होते रहे, और 1206 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। उसके बाद 1526 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। ये इस्लाम का बारे में हमें जानकारी जो है कुरान शरीफ और अन्य ग्रंथों से प्राप्त होती है। मध्यकालीन भारत में ही भारत सूफी संतों का आगमन हुआ। सूफी संत जो है ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वत्र व्याप्त बताते हैं। सूफी संतों में पीर और मुरीद का बड़ा महत्व होता है। ये मानव सेवा को अत्यधिक बल देते हैं। दाता गंज बख्श, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख फरीद जो है मुख्य आपके जो है संत हैं, सूफी संत हैं। इनकी जो जानकारी हमें तज़किरा से मिलती है। तज़किरा जो है वो सूफी संतों की जीवनियाँ होती हैं। अब नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट का जो प्रारंभ जो है समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ। इसके जो प्रणेता हैं वो कबीर हैं और नानक हैं और मीराबाई है।
इनकी जो जो इनको दो रूपों में बांटा जा सकता है, सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा। सगुण परंपरा के अंतर्गत जो है ईश्वर का एक रूप माना गया है, एक रंग होता है, और इनका जो है अवतारवाद में विश्वास करते हैं। जैसे आपका मीराबाई है, मीराबाई कृष्ण की भक्त है, जबकि निर्गुण परंपरा के अंतर्गत ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई नहीं होता, ये निर्गुण निराकार में विश्वास करते हैं। इसके अंतर्गत कबीर और नानक आते हैं। हमें उत्तर भारत की जो भक्ति आंदोलन की जानकारी हमें गुरु ग्रंथ साहिब से और जो कबीर की ग्रंथों से प्राप्त होती है। जो इस काल का जो काल 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी का जो काल का हमारे मुख्य स्रोत है, कवियों की काव्य संकलन ही है। इनसे ही हमें जो है प्राप्त होती है। ये जो है आप 12th सेंचुरी का ब्रॉन्ज स्क्रिप्चर ऑफ माणिक्य वासगर का है। ये तमिल कवि हैं, ये शिव भक्त हैं, और इन्होंने तमिल में जो है सुंदर कविताओं की रचना की है। अब आते हैं रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में। 8वीं से लेकर जो 18वीं शताब्दी का जो काल है, इसमें विष्णु शिव और शक्ति की आराधना की व्यापकता प्राप्त हुई, इनका परिचालन जो है अधिक हुआ। इनकी व्यापकता के साथ साथ इनका विस्तार भी हुआ, इनकी जो आराधना का विस्तार भी हुआ। लेकिन इनके साथ साथ इनके कहीं कहीं मतभेद भी हुए, इनमें टकराव भी हुआ और कहीं समन्वय भी हुआ। आइए हम सर्वप्रथम इसका जो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, यानी जो विभिन्न परिपाटियों संप्रदायों का समन्वय क्या हुआ, इसका बारे में विचार करते हैं। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विचाराधीन काल में पूजा पद्धतियों के समन्वय के आधार पर दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी। इसमें से एक थी जो ब्राह्मणीयवाद का, जो ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रचार से संबंधित था। इसके अंतर्गत जो पौराणिक जो ग्रंथों का रचना, उनका संकलन और उनका परिरक्षण से था। इन ग्रंथों को जो है वो स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया या सरल संस्कृत में लिखा गया, ताकि जो वेद जो संस्कृत की ज्ञान के कम संस्कृत के ज्ञान वाले व्यक्ति भी इसको समझ सके। वैदिक इसी प्रकार जो शूद्र जो है जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं थे वो भी इसे समझ सके। दूसरी प्रक्रिया भी ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रचार से ही संबंधित। इसके अंतर्गत जो स्त्रियां थी, जो आपके शूद्र थे और अन्य जो वर्ग थे, उनकी जो परंपराएं थी और उनके जो परंपराओं को ब्राह्मणों ने स्वीकार किया और उनकी परंपराओं में सुधार किया। तो समाज शास्त्रियों ने इसे जो है जो महान परंपरा और लघु परंपराओं के जो समन्वय से नहीं जो परंपराएं बनी, ये कहा। जो समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट रटफील्ड, उन्होंने अपने जो सांस्कृतिक जो विकास की को जानने के लिए अध्ययन के लिए जो है महान परंपरा और लघु परंपरा शब्दों का प्रयोग किया। एक किसान समाज में एक किसान जो है वो समाज में प्रबुद्ध लोग जैसे शासक वर्ग हैं, जैसे आपके जो पुरोहित वर्ग हैं, जिन परंपराओं का पालन करते हैं उसी परंपरा का किसान भी पालन करता है, और उसे जो है महान परंपरा का संज्ञा दी गई।
इसी प्रकार वो इसके अलावा वो किसान अन्य परंपराओं का भी पालन करता है जिसे लघु परंपरा का नाम दिया गया। इन दोनों परंपराओं के मेल मिलाप से कहीं के आदान प्रदान से कहीं नई परंपराओं का विकास होता है। उदाहरण के लिए हम देखें जो इसका बहुत जो बढ़िया जो उदाहरण है वो उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर आती है। जो जगन्नाथ देव हैं वो स्थानीय देवता थे, लेकिन 12वीं शताब्दी आते आते इनका जो स्तर जो इनको जो है विष्णु का एक रूप माना गया। आज भी इनके जो आदिवासी हैं इनके जो जो मूर्तियां जो हैं लकड़ियों से तैयार करते हैं। हम देखें जो विष्णु के जो रूप राम और जो कृष्ण हैं और जो इनमें बहुत सारे फर्क दिखाई देती है। इसी प्रकार देवी संप्रदायों में भी समन्वय के आधार अनेक उदाहरण देते मिलते हैं। सामान्य रूप से देवी की पूजा सिंदूर से जो पोते गए पत्रों को माना गया है, पूजा की जाती थी, उनकी जो आराधना की जाती थी, लेकिन जो पौराणिक परंपरा के अंतर्गत इन स्थानीय देवियों को जो प्रमुख मुख्य देवताओं के पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जैसे लक्ष्मी को विष्णु की और जो है शिव को पार्वती की पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया गया बताया गया। और इन जो जो शक्तियाँ हैं इनकी इन देवियों की विशाल जो है मंदिर बनाए गए और उसमें आराधना की गई। इस प्रकार जो है समन्वय से कई सारे नई परंपराएं उभर कर आई। ये जगन्नाथ के जो पुरी में हैं इसमें जगन्नाथ हैं, उनकी सुभद्रा है और बलराम, ये स्थानीय देवता हैं। 12वीं शताब्दी में इसे जो है विष्णु का रूप माना गया। इस प्रकार लघु जो परंपरा और जो है वो महान परंपरा के विलय से नहीं जो पूजा पद्धतियों का विकास। समन्वय के अंतर्गत जब बुद्ध धर्म का भी इसमें प्रभाव पड़ा, बुद्ध के जो अनुयायी जो हैं बुद्ध को अवतार मानने लगे और उनकी आराधना जो है की जाने लगी, उनके जो भक्ति गीतों की रक्षा की जाने लगी और उनकी स्तुति होने लगी। इसी प्रकार जो बोधिसत्व के पत्नियां हैं उनकी रक्षिकाएँ हैं उनको भी जो है शक्ति के रूप में पूजा होने लगी। यहाँ पर एक स्कल्पचर ऑफ बुद्धिस्ट गॉडस है मारीची, ये 10th century की है, ये बिहार में ये मिली है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। अब होता है डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उस विचार करते हैं। 6वीं शताब्दी में जो है तांत्रिक मत का उद्भव हुआ। 8वीं शताब्दी तक तांत्रिक मत बहुत अधिक प्रचलित हुआ, लोगों ने इसे स्वीकार किया। तांत्रिक मत जो है पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा इसका प्रभाव रहा। इसके कई सारे जो ट्रेडिशंस हैं जो उसको जो है वो तिब्बत की जो ट्रेडिशन से लिया गया। उनके तांत्रिक जो मत थी वो इतिहास इसका के विद्वानों के अनुसार ये वैदिक परंपरा का ही जो परिष्कृत रूप था। इसमें सभी जो को स्वीकार किया जाता था, इसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होती थी। तांत्रिक लोगों का विचार था कि सारी उत्पत्ति का जो स्रोत है वो जो है वो शक्ति है, पार्वती हो दुर्गा लक्ष्मी राधा जगत के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। इस मत के अनुसार साधक अपने इष्ट देव के साथ एक होकर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है।
इसमें तांत्रिक मत में आपका गुरु का बड़ा महत्व होता है। गुरु की दीक्षा के बाद ही इसमें जो है इसकी सदस्यता ग्रहण हो सकती है। इस वही तांत्रिक इसमें वर्ग और वर्ण का कोई भेद नहीं होता। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि का कोई विशेष स्थान नहीं होता। तांत्रिक जो मत ने कई धर्मों को प्रभावित किया, इसने बौद्ध धर्म को भी प्रभावित किया, बौद्ध धर्म में भी शक्ति की पूजा होने लगी। इसमें यदि हम वैदिक धर्म को इससे तुलना करते हैं, वैदिक जो वैदिक परंपराएं हैं इसमें इंद्र सोम और अग्नि इसको ज़्यादा प्रमुखता दी जाती थी, लेकिन तांत्रिक परंपरा में इसमें किसी प्रकार की ऐसी कोई विशेष उनको नहीं दिया जाता। इसमें जो है विष्णु शिव और शक्ति की जो है अत्यधिक जो है महत्व दिया जाता है। कभी कभी जो है ये जो वैदिक परंपरा और तांत्रिक परंपरा में टकराव भी उत्पन्न हो जाती थी। टकराव का कारण ये है, वैदिक परंपरा के जो समर्थक हैं वो मंत्रोच्चारण और यज्ञ पर अधिक जोर देते हैं, जबकि तांत्रिक जो के समर्थक हैं इनको स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार जो आपके जो वैदिक परंपरा के समर्थक हैं अपने देव को अपने इष्ट देव को सर्वोपरि सिद्ध करते हैं, इसी के विरोध में जो है आपके जो तांत्रिक जो मत के जो हैं अपने देव को सर्वोपरि सिद्ध करते हैं। इसमें दोनों में टकराव होती है। तांत्रिक मत का जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी मतभेद होते थे और उनसे टकराव होती थी, और इसके वजह से दोनों के अनुयायियों में तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती थी। इसके बाद हम आते हैं अर्ली भक्ति ट्रेडिशन। हिंदू धर्म में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तीन प्रमुख साधन बताए गए हैं। मोक्ष का अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग कठिन मार्ग हैं, इसीलिए जो कवियों ने संतों ने भक्ति मार्ग को अधिक महत्व दिया और इसका पालन किया। कालांतर जो में जो इस काल में 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो है भक्ति मार्ग बहुत अधिक प्रभावशाली रहा। इस भक्ति मार्ग में जो है अपने इष्ट देव की स्थिति में भक्ति गीतों की रचना की जाती है और उनकी स्थिति में इसे गाया जाता है। कभी कभी संत जो हैं वो के आसपास विशाल लोगों की जो है इकट्ठे हो जाते हैं और संत कवि जो है अपने कवि जो कविताओं से भक्ति गीतों से उन्हें सराबोर करते थे। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, चाहे वो स्त्री पुरुष ऊंच नीच हर कोई इसमें शामिल होते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। इसके जो है अलवार और नैनार इसके जो मुख्य प्रणेता थे। आइए हम अलवारों के बारे में जानते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णविज्म को लोकप्रिय बनाने में अलवारों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अलवार का अर्थ होता है विष्णु का भक्त। द टर्म अलवार मीन्स डिवोटी ऑफ विष्णु। इसमें 12 अलवार जो बहुत विख्यात थे और इन 12 अलवारों में स्त्री जो संत भी शामिल थे आंडा, ये विष्णु की भक्ति थी। ये विष्णु की भक्ति में कई सारे गीतों की रचना की है। ये गीत आज भी उतने ही जो है महत्वपूर्ण है, उतने ही इसकी स्तुति की जाती है।
दसवीं शताब्दी में 12 जो हलवारों की गीतों का संकलन किया गया, और ये संकलन को जो है काव्य संकलन को जो है नारायण देवीय प्रबंधम कहा जाता है। इसमें 4000 जो है पवित्र और डिवोशनल सॉन्ग्स हैं। इनका महत्व बहुत अधिक है, इसीलिए इसे तमिल वेद भी कहा जाता है। यह ग्रंथ जो है तमिल में लिखा गया था। जो अलवारों ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न स्थानों में घूमते हुए लोगों को अपने संदेश तक पहुंचाते थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति भक्ति के बिना उसे प्राप्त करना संभव नहीं है, इसीलिए वो जो गीतों को गाते थे भक्ति से ओतपूर्ण गीतों को गाते थे ताकि वो जो है इस विष्णु को संतुष्ट कर सके। दक्षिण भारत के जो शासक हैं वो आपका चालुक्य और पल्लव शासक उन्हें से ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने भी वैष्णव धर्म को स्वीकार किया। अब आता है नयनार। साउथ इंडिया में जो है शैविज्म को जो है पॉपुलराइज करने में, उसको लोकप्रिय बनाने में नयनारों का बहुत बड़ा योगदान है। नयनार जो हैं शिव के डिवोटी, शिव भक्त हैं, वो 63 हैं। इसमें 3 जो हैं बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, अपार, सामंदर और सुंदरर। उनकी जो काव्य है वो तेवारम में संकलित की गई है, और ये जो है 12वीं शताब्दी में इसको संकलन किया गया। नयनार जो ट्रेडिशन में परंपरा में इस जो स्त्री संत भी शामिल थी वो है कारेकाल अम्मयार। कारेकाल अम्मयार शिव भक्त थी। शिव भक्त में उसने कई सारी कविताओं का रचना की है जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। कारेकाल अम्मयार ने एक कठिन मार्ग को चुना, तपस्या के मार्ग को चुना। उसने नारी का जो सामान्य रूप से अलग एक कठोर रूप को प्रस्तुत किया, और उसने जो पितृसत्तात्मक जो समाज है उसको भी एक बार एक तरह से चुनौती दी। वे जो आपको जो नयनार्स थे वो शिव को अपना सर्वोच्च देवता मानते थे, और उनका विश्वास था उनकी समर्पण से, शिव के प्रति समर्पण से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए जो है गीतों की रचना करते थे, और उनकी जो भक्ति गीतों का संकलन आगम में किया। यस, नयनारों को जो है चोल शासकों का समर्थन प्राप्त हुआ, और उनकी मदद से जो है विशाल जो है शिव मंदिरों का निर्माण जो है चिदंबरम, तंजावुर और गंगईकोंडे चोलापुरम में किया गया। अब हम आते हैं अलवार नयनार सैंट्स एंड क्रिटिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम। अलवार नयनार जो परंपरा थी ये कास्ट सिस्टम को नहीं मानते। उन्होंने समाज में जो ब्राह्मणों को जो प्रभुत्व को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कास्ट सिस्टम का कठोर जो है आलोचना की। उन्होंने कहा कि सारे जो मानव हैं वो ईश्वर द्वारा एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा उनकी रचना की गई है, इसीलिए इनके इन पर जो है जन्म के आधार पर भेदभाव करना अनुचित है। ये नयनार अलवार जो परंपरा के जो कवि हैं इन्होंने जो है व्यक्ति की शुद्धता पर अधिक बल दिया, कर्म की शुद्धता पर अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज में जो जातिवाद की रचना जो है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए की गई है, और यह मानव द्वारा निर्मित की गई है, इसीलिए इसे समाप्त होना चाहिए। यहाँ पर एक चतुर ये टुंड्रा अडिपड़ी की एक कविता है, यू मैनिफेस्टली लाइक दो सर्वेंट्स
who express their love for your feet, though they may be born outcast more than Chaturvedin, who are strangers and without allegiance to your service. यहाँ पर टुंड्रा अडिपड़ी कहते हैं वो चतुर्वेदी चार वेदों का ज्ञाता जिसके हृदय में प्रेम और भक्ति नहीं है उससे ज़्यादा विष्णु को वो प्रिय है जो आउटकास्ट है किंतु उसके हृदय पर जो है हृदय में प्रेम है भक्ति है। यहाँ पर टुंड्रा अडिपड़ी जो है शास्त्रीय ज्ञान और जो आपका जाति प्रथा को भी स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पर यह है ये शास्त्रार्थ और डिवोशन ये जो है अपार एक नैनार सैंड है उन्होंने लिखा है वो रॉक्स वो कॉट द बुक्स ऑफ व्हाट यूज आर योर गोत्रा एंड कूला जस्ट बो टू द मारपेरू लॉर्ड एज योर सोल रेफ्यूजी। यहाँ पर कहते हैं मंत्रों का उच्चारण से या फिर गोत्र और कुल बड़े होने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये अपार और टुंड्र अडिपड़ी के विचारों में बहुत अधिक समानता दिखाई देती है तो दोनों जो है जातिवाद के जो है विरोधी दोनों जो है शास्त्रीय ज्ञान को भी जो है स्वीकार नहीं करते दोनों जो है ब्राह्मणों के जो आधिपत्य को भी जो है नकारते हैं। अब हम इस पर विचार करते हैं अलवार नैनार ट्रेडिशन एंड उबन ड्यूटीज जो अलवार नैनार जो परंपरा में महिलाओं की स्थिति इसे बहुत महत्व प्रदान करती है। ये जो आपके इतनी आसान नहीं है तत्कालीन समाज में महिलाओं जो है संत का रूप लेना और इस प्रकार जीवन व्यतीत करना कठिन कार्य था। इसमें जो आंडाल जो थी वो अलवार ट्रेडिशन की एक कवि संत थी उन्होंने विष्णु के प्राइस में उनकी जो महत्व में कई सारी कविताएं लिखी भक्ति गीत लिखे जो आज भी जो है बहुत प्रसिद्ध। इसी तरह जो नैनार ट्रेडिशन में आपका कार्यकाल अम्मेयार एक प्रसिद्ध संत है मैं स्त्री संत है जिसने अपने को शिव की भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। कार्यकाल अम्मेयार ने एक तरह से जो पितृसत्तात्मक समाज है जो नॉर्म्स है उसको एक प्रकार की चुनौती दी। अब हम आते हैं अलवार नैनार सैंड्स एंड द स्टेट। 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक दक्षिण भारत में दूसरे समुदाय के लोग थे जैसे बुद्ध थे जैन थे लेकिन कभी भी शासकों की तरफ से उनको कोई अनुदान नहीं दी गई। हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कई सारे आलोचनाएँ मिलती हैं इसका कारण है अनुदान कैसे प्राप्त किया जाए इससे लेकर मतभेद होने के कारण इस प्रकार की चीज़ें जो है मिलती हैं। जो नैनार जो परंपरा थी इसमें चोल का बहुत अधिक जो है समर्थन प्राप्त था। चोल जो शासक थे उन्होंने चिदंबरम तंजावुर और गंगईकोंडे चोलापुरम में विशाल मंदिरों का निर्माण किया। 945 CE में जो धातु से निर्मित अपार जो कवि अपार समंदर और सुंदरर की जो प्रतिमाएं जो हैं शिव मंदिरों में स्थापित की गई ये जो कार्य जो है चोला शासकों द्वारा किया गया ये
नटराज की मूर्ति है। इस मूर्ति को जो है चिदंबरम आपके तंजावुर और गंगईकोंडे चोलापुरम में स्थापित की गई। अब है वीर शैव ट्रेडिशन। वीर शैव ट्रेडिशन की स्थापना जो है बासवन्ना ने किया। बासवन्ना एक ब्राह्मण था, उसे वो चालुक्य कोर्ट में जो है वो एक मंत्री था, वो उनकी ट्रेडिशन, उसने जो है वीर शैव ट्रेडिशन को लोकप्रिय बनाया। इसके लोकप्रिय इस वीर शैव ट्रेडिशन में जो वीर शैव हैं वो एक चांदी के एक पिटारे में शिव की एक लिंग को अपने बाएं हाथ में पहनते हैं। जो लिंगायत जो है, इसीलिए इनको लिंगायत कहा जाता है। लिंगायत जो है को जो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते, ना ही वो जो जो ब्राह्मणों के जो प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। जो जिन समाज के जिन लोगों को ब्राह्मणीय व्यवस्था में गौण स्थान प्राप्त था, वो जो है लिंगायत जो आंदोलन में शामिल हुए। इस प्रकार जो एक बासवन्ना की एक रिचुअल्स है, व्हेन वी सी ए सर्पेंट कर्व्ड ऑन स्टोन दे पॉर मॉल मिल्क ऑन इट, इफ ए रियल सर्पेंट कम्स दे से किल टू द सर्वेंट ऑफ गॉड वो कुड ईट इफ सर्व्ड दे से गो अवे बट टू द इमेज ऑफ गॉड विच कुड कैनॉट ईट दे ऑफर डिशेस ऑफ गॉड। यहाँ पर बासवन्ना जो अनुष्ठानिक चीज़ों पर कुठाराघात करते हुए कहते हैं, एक जब वे सांप को देखते हैं तो जो उसे दूध पिलाते हैं, जब असली सांप आ जाए तो उसे कहते हैं मारो मारो। इसी प्रकार ईश्वर का बत जो खा सकता है उसे कहते हैं चले जाओ, लेकिन ये जो 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 मूर्ति जो खा नहीं सकती उसे जो है भोजन परोसते हैं। ये इस पार्ट को अगली इसके जो शेष भाग को जो है अगले जो क्लास में किया जाएगा। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। द पीरियड बिटवीन 8th एंड 18th सेंचुरी इज नोन एज द पीरियड ऑफ डाइवर्जेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डू यू एग्री विद दिस व्यू? ये क्वेश्चन नंबर वन है। नंबर टू, हु वेयर द अलवार्स, वट वेयर देयर टीचिंग्स, ये क्वेश्चन नंबर टू है। थ्री है, हु वेयर द नैनार्स, वट वेयर देयर मेन टीचिंग्स। फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज बासवन्ना, एग्जामिन द बिलीव्स ऑफ लिंगायत्स इन कर्नाटका एंड देयर अपोजिशन टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस। तो इसको इस पार्ट को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपको जो है भक्ति सूपी ट्रेडिशन के बारे में जानकारी हासिल हुई।